कभी एक टॉयलेट साफ करने वाला बंदा आज रशिया और कोरिया जैसे बड़े कंट्रीज के जीडीपी से भी बड़े कंपनी का मालिक है। कौन सी कंपनी और कौन है ये बंदा, आइए जानते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इस बंदे को कुछ फैमिली सिचुएशन और फादर की जॉब की वजह से मजबूरन यूएसए आना पड़ा। यूएसए के स्कूल में वो बाकी बच्चों से बहुत पीछे था, इसलिए उसे एबनॉर्मल बच्चों के स्कूल में डाला गया, जहां इसे टॉयलेट तक क्लीन करवाए गए। आगे अपने पेरेंट्स के साथ ये एक दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गया। वहां कोई फ्रेंड्स तो थे नहीं, तो अच्छे से पढ़ाई करते करते ये बंदा डिशवॉशर और वेटर की जॉब भी करने लगा। आगे इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की और एएमडी और एलएसआई लॉजिक में काम किया, जहां उसे रियलाइज हुआ कि कंप्यूटर्स में सीपीयूज तो काम कर लेंगे, लेकिन विजुअल डेटा को प्रेजेंट करने के लिए जीपीयूज की भी जरूरत होगी। इसीलिए इसने अपने दो दोस्तों के साथ एक जीपीयू कंपनी की शुरुआत की और आज यही कंपनी ओपन एआई, गूगल, अमेज़न, मेटा जैसी सारी आईटी कंपनीज को सर्वर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स के लिए जीपीयूज प्रोवाइड करती है। आज ये कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और वैल्यूएबल कंपनी है, जिसका नाम है एनवीडिया और इसके फाउंडर है जेनसन होंग। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।